ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੂਨੀ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। भी जरा ये मंत्री के खिलाफ जो हरजोत बैंस आ, क्योंकि वो मैडम ने भी आपके जेडे सुसाइड नोट के अंडरलाइन करके हरजोत बैंस का नाम लिखा होया है, तो उन्होंने आख्या भी ये हरजोत बैंस जिम्मेवार आ। मैनू डिप्रैशन दिती, मेरे साथियों ने डिप्रैशन दिती, मेरे घर की हालत जी इन्नी माड़ी हो गई। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। घटना सामने आई है, FIR उन्होंने परिवारक मैंबरां ते ही होगी। कहिंदे घर दे कलेश करके उन्होंने कदम चुके है, शिकायतां इह हो रही ने। उन्होंने अपने सुसाइड नोट दे विच सिर्फ ते सिर्फ पंजाब सरकार ते सिक्ख्या मंत्री नूं जिम्मेवार ठहराया आ। अज बलविंदर कौर जी गए आ, कलू जसविंदर कौर जी जाण दे, उस तों बाद अगे अगे सिलसिला हुण शुरू होगा, खत्म नहीं होना हैगा। हरजोत बैंस का जिहड़ा रवैया है वह इस तरह का रहा। इत्थे बैठण के बावजूद भी धरने ते साडे साथी पिछले 50 दिनों तो बैठे ने, इत्थे बैठण के बावजूद भी उन्होंने कोई इस मसले नूं सुहिरदता दे नाल लै के इहनूं सॉल्व करन वाल नहीं वधे हैगे। उह सी नहीं जाणदे सी कि जिस बदलाव की गल कर रहे उह माड़े बदलाव की गल कर रहे, इह पंजाब नूं डोबण की गल कर रहे, इह पंजाब दा माड़ा करन दी नीयत नाल सत्ता विच आण दी गल कर रहे। इत्थे 1158 बेकसूर उम्मीदवारां नूं उन्हां दे परिवारां समेत सूली ते लटका दित्ता गया। अजिहा बदलाव असीं चाहुंदे सी, इस सरकार दे आंदे साडे संविधानिक हक साडे कोल खोले। बेरोजगार बैठण लई मजबूर किया गया, सानूं मरण लई मजबूर किया गया कि अजिहा बदलाव असीं चाहुंदे सी।